खबर पाली से, मोहम्मद जमीलुर रहमान कादरी को सोजा सिटी नगर पालिका प्रतिपक्ष के नेता बनाए जाने पर उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, पाली जिला संगठन प्रभारी निम्बाराम गर्सिया, जिलाध्यक्ष नीलाल चटबस, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनीष पलरिया, ब्लॉक अध्यक्ष रतनलाल फौजी, नगर अध्यक्ष महेंद्र पलरिया, यूथ कांग्रेस नगर अध्यक्ष पुनीत दवे सहित सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि हम कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण माली से खास बातचीत करते हुए सरकार द्वारा अपने लोगों को कहीं ना कहीं जो है सत्ता में भागीदारी मिले उसके लिए कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए कदम तर कदम उठाए जा रही है। ऐसे में एक कदम तो कदम सोजत में उठाया गया है और प्रतिपक्ष के नेता बनाए गए हैं। हमारे साथ हैं प्रतिपक्ष के नेता, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से सरकार ने आपको जिम्मेदारी दी है प्रतिपक्ष के नेता की और अब आप उसको किस तरह से बेखूबी निभाएंगे। सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, सचिन पायलट साहब, हमारे पाली जिले के संगठन प्रभारी निम्बाराम जी गरासिया, हमारे जिला अध्यक्ष जी चुनलाल चाड़वा साहब, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष रतन भाई फौजी, हमारे नगर अध्यक्ष महेंद्र भाई, तमाम अग्रिम संगठन जितने भी हमारे, इन सब का मैं आभार और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अहम जिम्मेदारी नगर पालिका में सौंपी है और इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सर। और रही बात जिम्मेदारी की, तो सोजत सिटी में जो विकास कार्य है उसमें जो यहाँ की जो पक्ष है उसके साथ में जितने भी विकास कार्य है हम उसके साथ में खड़े होकर हर